महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है: धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 04600100006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 5020006636742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर चेतना नगर औरंगाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 4070166 1398, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। नारी हर्ष मनाए अयोध्या नगरी में जन्मे, नर नारी हर्ष मनाए अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में जन्मे है प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में। दशरथ राजा के दरबारी आए बधाई देने नर नारी, देवे भनवरी आज अयोध्या नगरी में, देवे भर भर थाल अयोध्या नगरी में, जन्मे है प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में, जन्मे है प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगर में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि स्वयं महाराज दशरथ जब अपनी सूचना को प्राप्त किए, प्रथम पुत्र के जन्म की सूचना जब उनको प्राप्त हुई, इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जब वो धन लुटाने बैठे तो इतना धन उन्होंने दिया कि उनके पास मात्र छत्र, चमर और वस्त्र ही शेष रह गए, इतना उन्होंने दे दिया। पद्मोत पद्म के जन्मोत्सव पर उन्होंने खूब बांटा। दिव्या वर्धन कारिभ्यः प्रयच्छन् वसु पार्थिवः बभूव चमर छत्र छत्र परिधान परिच्छदः। मात्र छत्र परिधान और वस्त्र बच गए, बाकी सब उन्होंने लुटा दिया आनंद के साथ, क्योंकि आज उनके घर में तीन लोक में उनकी यश को गाने वाला पुत्र आ जा रहा है, उसका जन्म हुआ है नगर में अयोध्या में, त्रिभुवन में। और आचार्य बतलाते हैं कि उस समय रामचंद्र के जन्म से, लक्ष्मण के जन्म से उनके मित्र जनों में, बंधु जनों में, परिवार में शुभ सूचनाएं आने लग गई, शुभ शकुन होने लग गए, हर घर घर में आनंद था, हर घर घर में खुशियां थी। और जो शत्रु थे उनके यहाँ अनेकों प्रकार के उत्पात होने लग गए। और अभी आपने सुना गुरुधर नियम आचार्य महाराज के मुख से कि जो लक्ष्मण जी आए तो माँ ने देखा कि कलशों से सिंह का अभिषेक लक्ष्मी कर रही है, और स्वयं सुमित्रा पर्वत पर चढ़कर समुद्र सहित पृथ्वी को देख रही है, और साथ में रत्नों से खचित घूमता हुआ चक्र देखा। इन सपनों का फल लक्ष्मण की प्राप्ति हुई, और उन चार सपनों के फल से रामचंद्र जी का जन्म हुआ।
रामचंद्र जी अति सुंदर थे, उनके नेत्र पद्म के समान थे, उनकी आभा पद्म के समान थी और नील कमल के समान उनके नेत्रों के भीतरी भाग की आभा थी। उन बालकों का रूप अत्यंत सुंदर था, अति उनके मन भावने रूप तुम्हारा, प्राणी मात्र को हरने वाला, राम सिया राम बोलो जय जय राम राम, राम सिया राम बोलो जय जय सिया राम। ओ कमल नयन की कमल नयन सुलोचन धारे, जय सुत रस रत के अति प्यारे, जय सिया राम बोलो जय जय राम, राम सिया राम बोलो जय जय राम। इतना सुंदर रूप, कमल सुयोन नयन सुलोचन उनके थे और पैर लाल कमल के समान थे। उनका विभ्रम, उनका विलास अत्यंत सुंदर था, उनका स्पर्श मक्खन के समान कोमल था। जन्म से ही उनके शरीर से सुगंध आती थी। वे बाल क्रीड़ा से सबका मन हरण कर लेते थे। उनकी बाल क्रीड़ाएं सबके मन को मुग्ध करने वाली थी। आप देखते हैं कि सामान्य सा किसी का बच्चा भी हो, हंसता खेलता है, सबको मंत्रमुग्ध करता है। वे तो बलभद्र थे, अष्टम बलभद्र थे, 63 तलाका पुरुषों में थे, चरम शरीर भी थे, तथा मोक्षगामी थे। ऐसे राम के रूप को देख करके जो आनंद होता था, सब लोग प्रसन्न हो जाते थे। वे यदि शब्द करते थे तो ऐसा जान पड़ता था कि जैसे वो अमृत ही बरसा रहे हों। जब किसी की ओर देखते थे तो ऐसा लगता था कि वह सब श्लोक को सुखदायक पंख से लिप्त कर रहे हों। किसी के बुलाने पर जब उसके पास पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि वे सबके संकट को हरण कर रहे हों, दरिद्रता का छेद कर रहे हों और वे अपने निकुलता से सब हृदय को तृप्त कर रहे थे। वे दोनों भाई, ऐसा लगता था कि मानो प्रसाद और संपद नाम के गुण को लेकर ही देह रख करके आए हों। वे दोनों कुमार राम और लक्ष्मण एक साथ में जाते थे और नगर में जब क्रीड़ा करते थे तो नगर की नारियां झुंड के झुंड उनको देखने के लिए सारे काम छोड़कर खड़ी हो जाती। जैसे पहले विजय और त्रिपृष्ठ बलभद्र नारायण हुए थे, उसी प्रकार से ये दोनों बालक भी राम और लक्ष्मण के नाम से विख्यात हुए। राम, ये राम शब्द जो शब्द है इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। राम शब्द के विषय में हमारे ग्रंथ हमारे आचार्य कहते हैं कि राम शब्द में जो री है रू, मराठी में रू बोलते हैं, री शब्द है, इसमें ऋषभ देव भगवान का ऋषभ बीजाक्षर आ जाता है, प्रथम बीजाक्षर आता है। और आ जो है समन्तात अर्थ में है, साथ में जो म शब्द है ये भगवान महावीर का आदि अक्षर है। इस तरह से ऋषभ देव से लेकर के महावीर तक 24 भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए महाराज दशरथ ने अपने पुत्र का नाम रखा राम। जितनी बार राम का उच्चारण हो उस राम शब्द में 24 भगवान का स्मरण करते थे और नाथ तिहारे नाम ते,